गाइज इंस्टाग्राम से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर आपको पेज बनाना पड़ेगा, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा पाओगे। तो सबसे पहले गाइज अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना आपको सिखाऊंगा, तो सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अगर इंस्टाग्राम आपका प्राइवेट अकाउंट में है तो इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, पेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देख सकते हैं, थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना आपको। जस्ट यहाँ थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं कि नीचे स्क्रॉल कर आएंगे इस तरह से। आने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा स्क्रीन पर, देख सकते हैं यहाँ अकाउंट टूल्स, अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन पर। आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, एक दूसरा मिलेगा ऐड ए न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कब क्या है, जैसे कोई इंस्टाग्राम आपका आईडी है उसको अगर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इंस्टाग्राम पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में क्लिक करिएगा। अगर नया अकाउंट बनाना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है पेज, तो ऐड ए न्यू पेज पर क्लिक करिएगा तो आपका नया अकाउंट बन जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि ऐड ए न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा नया पेज बनाने के लिए। तो इस पर हमको क्लिक नहीं करना है, हमको जो आईडी है उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है हमको। तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट आगे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा गेट प्रोफेशनल टूल्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सबसे पहले व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, मतलब आप कैटेगरी क्या रखना चाहते हो, वीडियो जो भी बनाओगे आप पोस्ट डालोगे इंस्टाग्राम पेज पे तो आप क्या कैटेगरी रखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट वाला, अगर आप म्यूजिशियन हो गाना गाते हो तो म्यूजिशियन सेलेक्ट करिएगा, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगर सेलेक्ट करिएगा, अगर आप एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन से सेट कर सकते हैं, अगर एडिटिंग से चीज़ें आप सिखाते हैं तो एडिटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए डिजिटल क्रिएटर, हम वीडियो वीडियो बनाते हैं तो डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम डिजिटल क्रिएटर पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक कर देंगे तो ये डन हो जाएगा और जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल के सामने ये दिखाई देगा कि आप डिजिटल क्रिएटर हैं, उसको क्लिक कर देंगे तो ठीक है। तो जस्ट हम उस पर क्लिक नहीं किए हैं। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं कि क्रिएटर यहाँ से आपको देगा कि क्रिएटर और बिजनेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बिजनेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। अगर आप खुद का अकाउंट कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद अपना वीडियो पोस्ट और वीडियो डालना चाहते हो तो क्रिएटर पर क्लिक करिएगा। अगर किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हो, बिजनेस को बढ़ावा देना है, छोटी सी दुकान है, बिजनेस के लिए पोस्ट करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो बिजनेस वाला सेलेक्ट करिएगा। तो हमें खुद का वीडियो बनाना है, खुद अपना ग्रो करना है तो क्रिएटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। क्रिएटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, चेंज टू योर सफेटी सेटिंग, अनवांटेड मैसेज रिक्वेस्ट, एडवांस कमेंट फिल्टरिंग। उसके बाद ओके पर क्लिक करिएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप रिसोर्स ऑफर हेल्प ग्रो टू ब्रांड आपको प्रोमोशनल ईमेल पर मिलता रहेगा, ये ईमेल जो है, ठीक है, जो ईमेल आईडी से आप बनाए हुए हैं अपना इंस्टा आईडी। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद शेयर टू लॉगिन इज अकाउंट सेंटर, इसको शेयर करना, यहाँ से तो शेयर करने का ऑप्शन देगा, नॉट नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है, आपको नॉट नाउ पर क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करेंगे गाइज तो देख सकते हैं कि आपको 8 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। 8 स्टेप कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपका प्रोफेशनल अकाउंट क्लिक करना। तो सबसे दूसरा आना है गेट इंस्पायर्ड, गेट इंस्पायर्ड पर क्लिक करना है। आने के बाद यहाँ से आपको फॉलो कर लेना है एक दो लोगों को, ठीक है, फॉलो करेंगे तो ये टिक लग जाएगा आपका, ओके पर क्लिक, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद गेट मेटा वेरीफाइड है, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ज्वाइन टू वॉच लिस्ट पर क्लिक करिएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका आ जाएगा, आपको एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपको ऐड वाला ऑप्शन देगा, इनसाइट कितने लोग देखें, कितना एंगेजमेंट मिला, वो सब बताता है आपको। ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रमोशन करने के लिए ऐड का ऑप्शन देगा, यहाँ से ऐड बना लेंगे। तो इसको भी आप इस तरह से डन कर दीजिएगा, ये भी आपका कंप्लीट हो गया गाइज, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद टेल अस योर गोल आप दे रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। टेल अस योर व्हाट यू लाइक टू सी मोर, सी मोर लाइक क्या करना चाहते हैं आप, ईमेल पर या टेक्स्ट पर। तो आप मान लीजिए ईमेल देना चाहते हैं, ईमेल देख सकते हैं, मीडिया एंगेजमेंट जो भी आप देना चाहते हैं लाइक के लिए, तो आपको ईमेल पर मैसेज आता रहेगा। तो लाइक का आपको देख सकते हैं कि दो सिलेक्ट करना है आपको इसमें से, तो दो सेलेक्ट करना है तो आप मान लीजिए कि ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कमेंट देगा कि हु लाइक पीपल कनेक्ट, कैसे कमेंट से आपको आपको यहाँ से कमेंट वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना, कमेंट और मैसेज के थ्रू, ठीक है। डन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये
कंप्लीट हो गया। तो गाइज देख सकते हैं कि ये चार ऑप्शन आपका ही हो गया है, टिक लग गया। अब ये चार ऑप्शन बचा हुआ तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर तो इस कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बस बायो लिख दीजिएगा तो आपका ये अनेबल हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा आई एम ए ब्लॉगर, आप अच्छी तरह से अपना बायो लिख लीजिएगा, ठीक है, आई एम ब्लॉगर। उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ से आइएगा, प्रोफाइल फ़ोटो अपना लगा लीजिएगा, जो भी प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो लगा लीजिएगा, ठीक है, जो भी आप प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो फ़ोटो आप लगा लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये फ़ोटो लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिएगा, इस तरह से ओके पर क्लिक करिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सिंपल बाद ओके पर क्लिक करिएगा, इस तरह से जैसे क्लिक करेंगे ये भी आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। आप ग्रो योर ऑडियंस वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप इनवाइट करिए, यहाँ से शेयर कर दीजिएगा किसी को आप शेयर कर दीजिएगा इस तरह से जस्ट आप शेयर कर देंगे। जस्ट शेयर करने के बाद टिक पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे टिक पर क्लिक करेंगे ये भी आपका अनेबल हो जाएगा, ठीक है। आपका बचा दो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और लर्न अबाउट हाउ एड्स वर्क। ये कब इसको अनेबल किया जाता है, आप जब दो तीन पोस्ट अपने पेज पर कर दोगे तो ये अनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको इसको अनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है लर्न अबाउट हाउ एड्स वर्क, ये एड्स है, कोई चीज़ प्रमोशन करना चाहते हो उसमें पैसा लगता है तो अभी इसको अनेबल नहीं करना है। जब आप इसको प्रमोशन करोगे तो ये भी ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा, वहाँ से पोस्ट जब डालोगे उसको प्रमोशन करोगे। ये दोनों फीचर को अनेबल नहीं करना है, ठीक है, अनेबल नहीं करते, इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपका ये प्रोफेशनल अकाउंट इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो ये प्रोफेशनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोफेशनल अकाउंट है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट आने के बाद यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिखाने लगेगा। यहाँ देख सकते हैं ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ आपका दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से शो मिलेगा, कितने व्यू आया, कितने इंट्रैक्शन आया, कितने टोटल फॉलोअर्स आए हैं, कितने लोग शेयर किए, कितना अचीवमेंट मिला, कितना आपको प्रैक्टिस किए, ये सारा चीज़ आपको यहाँ से बताता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा प्रोफेशनल अकाउंट पेज बन गया, अब पैसा हम भी कमा सकते हैं कुछ फॉलोअर्स बढ़ाकर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।